Welcome back in online English classes. Today we will read chapter 13 tenses and forms of verb exercise. बेटा आज हम exercise read करेंगे. हमने आपको forms of verbs दिया था कि form कैसे verb कैसे बनते हैं, verb कैसे change होते हैं, वो future tense, present tense, past tense and future tense verb कैसे change होते हैं. So बेटा आप लोग देखोगे कि इसमें कुछ वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म में ईडी डी या टी लगाकर चेंज की जाती है, पास्ट फॉर्म बनाई जाती है. ओके या पास्ट पार्टिसिपल बनाई जाती है. ऐसे ही जैसे अलाउ अलाउड एंड अलाउड, आंसर आंसर्ड, तो इसमें क्या लगा है ईडी. ओके एंड कैच का कॉट हो जाता है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है टी, लास्ट में टी लगा है. ओके ज्वाइन ज्वाइंट इसमें भी ईडी लगा है तो ईडी डी या टी हम यूज करके पास्ट फॉर्म बनाते हैं. ओके फील का फेल्ट हो गया तो एंड नेक्स्ट है बी. कुछ वर्ब्स की पास्ट तथा मीन्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वॉवेल्स. यानी कुछ के इंटरनल वॉवेल्स चेंज किए जाते हैं. जैसे इसमें अराइज है तो आई का ओ बन गया है, बिकम है तो बिकेम बन गया, बाइट बिट बिटे, बाइट यहाँ पे आई है ना, बीच में क्या आया है आई तो वॉवेल हमने चेंज, वॉवेल इसमें चेंज हो गया, बिट बिटेन बिट, चूज का चूज चूजन. तो ऐसे बेटा यहाँ पे वॉवेल्स चेंज होके पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म बनते हैं. एंड सम वर्ब्स डू नॉट चेंज, सम वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स इन देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. तो बेटा आज हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस को रीड करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइजेस राइट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. जो सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं बुक की एक्सरसाइज में उसमें प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का यूज करके लिखना है. ओके जैसे कि देखोगे यहाँ पे सेंटेंसेस क्या लिखा है, आई सॉ अ हॉरर मूवी, तो इसमें सॉ क्या है बेटा, सॉ है पास्ट टेंस. इट इज रेनिंग हैविली, तो रेनिंग में आई एन जी लगा है प्रेजेंट टेंस. ही विल राइट अ लेटर, विल लगा है बेटा तो क्या हो गया फ्यूचर टेंस. शैल है तो फ्यूचर टेंस. आई एट ए ईट ए टी ई, तो ईट का क्या होता है ईट का एट हो जाता है ना, तो एट क्या हो गया पास्ट टेंस. ऐसे हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके एंड नेक्स्ट है बी. बी एक्सरसाइज में क्या करना है, व्हाट डू दीज पीपल डू, यानी लोग क्या कर रहे हैं. चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं वर्ड्स उसमें से आपको एक करेक्ट चूज करके, करेक्ट वर्ड चूज करके आपको नोट करना है. जैसे बेकर क्या करता है, बेक्स ब्रेड, ब्रेड को बेक करता है. मैकेनिक रिपेयर्स कार, सिंगर सिंग्स अ इन अ क्योर, एंड अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन, पायलट फ्लाई कर फ्लाइज अ प्लेन. जर्नलिस्ट राइट्स एंड कुक कुक्स, तो ये आपको बेटा इसमें नोट डाउन करना है. नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. रीराइट यानी फिर से लिखना है सेंटेंसेस को यूजिंग पास्ट फॉर्म, आपको वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करके रीराइट यानी फिर से लिखना है. तो ये देखो दे थिंक, तो थिंक का क्या हो गया है थॉट, बाइट का बिट, ले का लेड एंड फ्लाई का फ्लाइट. ओके ऐसे ही बेटा इनवाइट का इनवाइटेड. ओके एंड नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि आपको फिर से लिखना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करके. जैसे आपने सी एक्सरसाइज किया है सेम वैसे ही डी करना है, बस इसमें आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है. जैसे एट का आई एट, आई एट द फूड, तो आई ईटन द फूड. टॉम किल्ड, तो किल्ड का बेटा किल्ड ही होता है. लर्न का लर्न्ड ही होता है. कॉट का कॉट ही होता है. एंड स्वम का स्वम हो जाता है, एस डब्ल्यू यू एम स्वम. तो रीचा स्वम इन द रिवर, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल में क्या बनाया है रीचा स्वम इन द रिवर. तो बेटा इसके लिए आपको वर्ब्स को यूज लर्न करना होगा एंड यूज करना होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म. एंड इसी के साथ एक्सरसाइजेस आपकी कंप्लीट होती है एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 14 रीड करेंगे. ओके थैंक यू.